तू जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इस उड़ान दिखाने के लिए और आपको एंट्रेंस एग्जाम के फील्ड में अपने आप को प्रूफ करने के लिए, खास करके अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय BA LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है, आप लोग का एकदम ड्रीम है कि BA LLB को मुझे क्लियर करने के साथ साथ टॉप रैंक के साथ मुझे क्लियर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पूरे YouTube पे इस प्रकार की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने आज पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी के साथ आज वीडियो में आया हुआ हूँ। पूरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सब कुछ हम दिखाएंगे, क्या क्वेश्चंस आता है, किस प्रकार से आखिर क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल कहाँ से पूछते हैं, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। पूरा आज की जो पूरी एनालिसिस है वो BA LLB के लिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि पूरे सिलेबस का निचोड़, सिलेबस तो दिखाएंगे, सिलेबस से क्वेश्चन कैसे उठते हैं वो भी दिखाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, धैर्यपूर्वक वीडियो को ध्यान से देखो। ये टारगेट गुरुकुल है, यहाँ पे हर समस्या का समाधान आपका कर दिया जाता है, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार आए तो फिर बोलना ना पड़े हमें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, पहली जो आपका सवाल होता है सर कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 25 से 30 दिन का समय बचा हुआ है, उसी के रणनीति के अकॉर्डिंग पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक। ध्यान से देखो, यहाँ आपका जो सिलेबस है सर ये है जनरल अवेयरनेस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। ये जो सर आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन, गलती से भी एक क्वेश्चन अगर बाहर आ जाएगा तो विश्वविद्यालय को कटघरे में खड़ा करना पड़ सकता है, ठीक। विश्वविद्यालय खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा, भाई आपने बोला था कि ये 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, आपने इसमें ये बताइए कि आपने इसमें बाकी सब्जेक्ट क्यों ऐड कर दिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपने फिजिक्स क्यों ऐड कर दी, केमिस्ट्री क्यों ऐड कर दी, तो जो सिलेबस है उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा, विश्वविद्यालय भी इस बात को अच्छे से जानता है, ठीक। तो आप लोग को याद रखना है जनरल लीगल अवेयरनेस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, यही आपको पढ़ना है। अब इसको जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ये तो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, इसमें विश्वविद्यालय के ब्राउचर में ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। जब यहाँ जो बच्चा संघर्ष बैच में पढ़ रहा है, वो बच्चा पूछे सर ये मेरे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है या नहीं है, यूट्यूब पे क्लास चल रही है वहाँ पूछ रहे हो सर मेरे लिए क्लास है या नहीं है, तो जानो ना तुम्हारे लिए कौन सी क्लास स्पेशल है। सुनो ध्यान से, लीगल जनरल अवेयरनेस में आपका यहाँ पे क्या होगा कि इसमें आपके लीगल क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी सी पॉलिटी क्या होगी, मिक्स होगी, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मिक्स होगा। इस प्रकार क्वेश्चन लीगल जनरल अवेयरनेस से पूछेगा, क्योंकि लीगल सब्जेक्ट नहीं है, अवेयरनेस है, मतलब बस आपको लीगल के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ा संविधान के बारे में पता होना चाहिए, वो सब इसमें आपका आएगा, ठीक, समझ गए। जियोग्राफी, टोटल जियोग्राफी जो आपकी आने वाली है, ये पूरा 11 12th लेवल की जियोग्राफी आएगी, मैंने इसलिए क्लियर यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे साइड में 10+2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्यों लिख दिया है ताकि मैं ना भूल जाऊँ बताने के लिए और हमारे बच्चे भी समझ ना पाए, मैं समझा ना पाऊँ, ठीक। तो ये क्लियर है कि जो आपकी जियोग्राफी है और हिस्ट्री है ये 11 12th की आने वाली है, ठीक। जनरल साइंस, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन जनरल साइंस में रहते हैं, जो अपने क्लास 8 तक पढ़ा है, जो आप लोग मतलब इस विटामिन की खोज किसने की थी, इस विटामिन का मतलब विटामिन ई से क्या होता है, रतौंधी रोग, किस विटामिन कमी से होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के अंदर पूछते हैं, ठीक। रीजनिंग की बात करें सर, तो रीजनिंग तो आप जानते हो, अभी आगे क्वेश्चन भी दिखा देंगे आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछते हैं। बहुत ही नया स्पेशल सब्जेक्ट आपके लिए, क्योंकि BA LLB वही बच्चा करता है जो बच्चा इंटर पास है, इंटर का एग्जाम दिया है और कहीं भी कंपटीशन अभी नहीं दिया है, ठीक। जब कंपटीशन एग्जाम में एंटर करते हो तो फिर इस सब्जेक्ट से आपका क्या होता है, एक रिश्ता बनता है, एक रिलेशन बन जाता है, और ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ने में बेहद ही मज़ा आता है, ठीक। इसमें अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट जो है आपको रैंक देता है, क्योंकि इसमें जितने सब्जेक्ट पूछेंगे बच्चा खुश होता है, अरे यार रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ गए, समझ रहे हो, तो बच्चा खुश होता है, भाई ये क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन रीजनिंग आपका मेन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी टाइम टेकर है, मतलब टाइम को बर्बाद करती है, टाइम को वेस्ट कराने के लिए डाली जाती है। अब टाइम कैसे वेस्ट ना हो, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे जैसे ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन आए इसके पापा के मम्मी के भाई हाँ उंगली पे ही मैंने कर दिया, हाँ रिलेशन निकल गया, इस प्रकार से क्वेश्चन रीजनिंग में आपको देख रहे हैं, ठीक। बात करें मेंटल एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है, इसको समझ लो कि बेसिक मैथ आप मान चलो, ठीक, मतलब बेसिक मैथ यानी जो आपने क्लास 8 तक क्लास 10 तक जो मैथ पढ़ी हुई है वही मैथ आपकी पूछी जाएगी, बेसिक मैथ, इंटर के मैथ मत पढ़ने लगना,
कि ज्योति मैम की क्लास आई, मैंने पूरा इंटर की मैथ पढ़ ली, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको बेसिक मैथ पढ़नी, जहाँ लिखा हो जनरल मैथ। सिलेबस समझ में आया सर कि पढ़ना क्या है आपको? एग्जाम पास है, एग्जाम 25-30 दिन में होने वाले हैं, ठीक। डेट भी लगभग 5 जुलाई 10 जुलाई से एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आपको सिलेबस नहीं पता है, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, सिलेबस आपको याद रहेगा, ठीक। चलिए सिलेबस ये रहा आपका। अब बात कर लें सर कि सिलेबस तो आपने बता दिया, तो लीगल जनरल अवेयरनेस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का लेवल क्या होता है क्वेश्चन पूछने का, उस पर आते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका पहला सिलेबस में आपका था हिस्ट्री, जो आपका सब्जेक्ट था, पहला सब्जेक्ट आपका था वो था सर आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन ये है सर कि स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मतलब क्लियर बोला गया है कि जो पत्र था केसरी, जैसे अभी आप लोग जान रहे हो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर चलते हैं, उस समय स्वतंत्रता के बाद आपका केसरी पेपर जो समाचार पत्र है वो क्या हुआ था आप लोग का, प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लाला लाजपत राय। इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जैसे मैंने बोर्ड पर मैंशन किया हुआ है, ठीक। तो ये आपका हिस्ट्री क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन हिस्ट्री में बनेंगे। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में उठ के आ जाए, क्योंकि पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्वेश्चन अपने मन से ला के दे रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको देख लो, बोलोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता कहाँ से आपको है, तो क्वेश्चन मुझे देखना होता है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे जानना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर टीचर, हर फैकल्टी इंट्रेंस एग्जाम देने जाता है हर साल, और वो क्वेश्चंस को देख के आता है, क्वेश्चंस को लेके आता है। जो बच्चे हमारे होते हैं हर साल एंट्रेंस देते हैं, 1000 बच्चे देते हैं, तो 1000 बच्चे एक एक क्वेश्चन अगर ला के दे दें तो पूरा 100 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस है, इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर होगा, ठीक। उसी प्रकार ये आपका जियोग्राफी क्वेश्चन है, जियोग्राफी में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। ये टोटल बीए एलएलबी का मैंने पेपर बना दिया कि क्वेश्चन लेके, समझ रहे हो। देखो इसमें पूछा गया सर कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? तटरेखा सबसे बड़ी है, जो आप पूरा ग्राफ, आप मतलब ग्राफ बनाना भी जानते होगे, आप लोग नहीं जानते हो ग्राफ जरूर बनाना, क्योंकि जो जियोग्राफी जो डीके से जियोग्राफी आपको पढ़ाते हैं वो पूरा मैप यानी जो इंडिया का मैप है उसको एकदम खिलौना बना के आपको दिखाएंगे सर कि ये यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये इसकी रेखा है, ये किसके पड़ोसी देश, इसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य कौन कौन से, बहुत ही मज़ा आता है। मैं खुद देखता हूँ ये क्लास, बहुत अच्छा लगता है, ठीक। जब मैप पे पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा। इसके अलग अलग टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, अभी आगे हम बात करेंगे। तो जियोग्राफी में ये क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोगों, अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इन सभी जो 4 से 5 सब्जेक्ट हैं उसका एक ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जी सर इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, पूरा क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे बोल रहे सर रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो लो मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन ला दिया है ना। देखो रीजनिंग क्वेश्चन पूछ रहा है विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज, यानी कि बोल रहा है कि इन सीरीज के आगे अगला क्वेश्चन कौन सा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। रीजनिंग में एक चैप्टर है नंबर सीरीज, उससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन हर कोर्स में आते हैं। बोल रहा है भाई बता दो यहाँ पे 79 हो जाएगा, 99 होगा, 89 होगा या 98 होगा, आप खुद बताइए कि 1, 2, 3, 10 इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, इसको आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक। जो बच्चा सही आंसर देगा इस क्वेश्चंस का उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, जिससे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे तो खुद देख पाओगे कि हाँ इसका राइट आंसर है, ठीक। इसका राइट आंसर मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, ये स्क्वायर और क्यूब में छिपा हुआ है, आप स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं कितने बच्चे, रीजनिंग क्या होता है कि मानसिक जो आपकी क्षमता होती है उसकी जाँच के लिए बनाया जाता है सब्जेक्ट, तो देखते हैं किसकी मानसिक जो क्षमता है किसकी अधिक है, ठीक है। जनरल साइंस मैंने बोला था ना खोज वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं विटामिन वगैरह पे, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया हु डिस्कवर्ड बेंजीन, बेंजीन की जो खोज है वो किसने की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और रही बात, एक चीज बता दें आप लोग को कि जो ये PDF है ना सर, ये जो पूरी PPT मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरी PDF सर आपको टारगेट गुरुकुल के व्हाट्सअप चैनल पे, ठीक, टारगेट गुरुकुल के व्हाट्सअप ग्रुप पे, टारगेट गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे तो नहीं सेंड कर सकते, टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम पे,
हर जगह ये पीडीएफ वीडियो जैसे ये पब्लिश होगी आपको पीडीएफ हर जगह प्रोवाइड हो जाएगी। आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, चैनल से देख सकते हैं, लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ आप लोग देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, उसके आंसर बता देना, ठीक। चलिए सर, यहाँ पर मैंने क्या क्या बता दिया आप लोग को, आपको मैंने हिस्ट्री बता दी, जियोग्राफी बता दी, आपको मैंने यहाँ पर रीजनिंग बता दिया, जनरल साइंस बता दिया। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर लीगल का। लीगल का भाई यहाँ पर देख लो क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये लीगल प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इंट्रेंस में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार देता है। मतलब कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपको गोरखपुर में रहना गोरखपुर में रह लो, लखनऊ में हो लखनऊ में रह लो, या फिर आजमगढ़ में हो मऊ में हो, या फिर देवरिया में हो, आप मतलब मान लो बिहार में हो, आप वहाँ निवास ले सकते हो, वहाँ आप रह सकते हो। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ये आपको ऑफर देता है। इसमें ऑप्शन भी आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इसका भी जो आंसर होगा राइट आंसर कौन सा आर्टिकल है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। इस पर क्या क्वेश्चन आपके पूछते हैं, मैंने एक मॉडल पेपर आपको दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको कोई नहीं करता होगा यूट्यूब पे, आप लोग ईमानदारी से बताना अगर कोई ऐसा आपको समझाने वाला पूरा प्लेटफॉर्म कोई मिला हो यूट्यूब पे, ठीक। इसी प्रकार से आपको तैयारी कराने वाला भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। इन सभी सब्जेक्ट की अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही होगी, ठीक। जिस सब्जेक्ट को आप देख रहे हो हर सब्जेक्ट की सिंगल फैकल्टी आपको पढ़ाती है, जो अपने आपको प्रूफ की है एंट्रेंस एग्जाम के फील्ड में, या फिर अपने आपको अपनी लाइफ में प्रूफ की है, ठीक है। ये हमारे आपका मैंने बोला ना कि आपके पास 25 दिन का पूरा समय बचा हुआ है, सिलेबस देख लिया, कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लिया, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया आपको, ठीक। बात कर लें कैसे पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो मैंने सब्जेक्ट ये बताए हैं, जो भी सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ना शुरू कर दो आज से। ये टोटल 11 12th की होगी हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक। और जो आपका लीगल होगा ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा, तो इसको आप लोग एक्स्ट्रा कोई बुक वगैरह लिए होगी उससे पढ़ना। कोई लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए बुक मत लेना, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आती है, ठीक। रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस हमारी चला रही है, वो सारी क्लासेस भी देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक। मेंटल एबिलिटी, बेसिक मैथ है, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे आपको समझ में आएगी, ठीक। अगर चाहते हो कि सब चीज़ें आसान बनाना, क्योंकि समय कम है और ऑनलाइन ऑफलाइन दौड़ने से अच्छा है कि एक बार आप एक बैच के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहद आसान कर सकते हो। संघर्ष 2.0 एक जून से हमारी क्लासेस शुरू हैं, पूरा बैच लाइव है, डेली 2 दिन का शेड्यूल आपको मिल जाता है, 6 और 7 का शेड्यूल ये है, फिर 7 तारीख को 8 और 9 का शेड्यूल आ जाएगा। ऐसे पूरा हम लोगों ने पूरा मूड बनाया कि 25 जून तक ये क्लासेस लाइव चलने वाली है, और 25 जून तक पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज करवा देंगे, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, या फिर मेंटल एप्टीट्यूड हो, ठीक। तो ये पूरा 25 दिन का संपूर्ण तैयारी के लिए पूरा हमने यहाँ पे चैलेंज लिया हुआ है, और इस चैलेंज में आप भी जुड़ सकते हो। 25 दिन जो बचे हुए हैं इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग यहाँ पे क्या वो करोगे, इसका यूज करोगे, 25 दिन का अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, बाकी सब चीज़ें छोड़ के 25 दिन पूरा टारगेट पे दोगे अपने, तो जो आपका लक्ष्य होगा वो आपका होगा, जो विश्वविद्यालय है वो आपका होगा, ठीक। तो आराम से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से क्या कर सकते हो, कोर्स से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट थी आप लोग के लिए कि 8 जून से पहले वीडियो अगर देख रहे हो, ठीक है, तो 8 जून को हम लोग क्या करा रहे हैं, आप लोग को फ्री टेस्ट करा रहे हैं। फ्री टेस्ट आप लोगों को होने वाला है मोबाइल ऐप पे टारगेट गुरुकुल, तो ज़रूर टेस्ट को दीजिएगा, जिससे आप खुद अपना आकलन कर पाओगे कि कितना पेपर मेरा तैयार है, कितना क्वेश्चन मेरा रेडी है, ठीक। तो समझ में आ रहा है कि मतलब 8 जून को क्या करना है, फ्री टेस्ट जरूर देना है। अभी आज वीडियो आ जाएगी आप लोग की कैसे टेस्ट को देना है, क्या प्रोसेस है, और बता दें टेस्ट जो होगा पूरा आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे होगा, जैसा एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, सेम उसी प्रकार आपको 90 मिनट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, इन सभी सिलेबस से क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो आपको बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम का फील होने वाला है 8 जून को, ठीक। चलिए सर, अब आगे बात कर ले सर कि ये पूरे हमारी टॉप जो रैंक है, टॉप जो हमारे रिजल्ट है 2023 के, वो आप लोग के हैं। अगर मैं लगातार 3 साल का रिजल्ट दिखा दूँ तो बोर्ड शायद स्लाइड छोटी पड़ जाएगी, ठीक है, इसलिए केवल टॉप रैंक दिखा रहे हैं, सिलेक्शन मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि सिलेक्शन इतने ज़्यादा हैं कि बहुत बच्चे तो हमारे तक पहुंच भी नहीं पाते, कि बाद में जब जाते हैं विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, क्लास में, बच्चे बोलते हैं सर मैंने पढ़ा था टारगेट गुरुकुल से, मैं आज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से बच्चे हैं, केवल टॉप रैंक ही मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का स्लाइड मैं ऐड नहीं कर सकता, उनसे क्षमा मांगेंगे अगर वीडियो फिर से वो बच्चे देख रहे होंगे तो, ठीक है। आप बात करें आप लोग को कैसे मोबाइल ऐप आप लोग टेस्ट सीरीज कैसे दोगे, और कैसे कोई कोर्स को इनरोल कर सकते हो संघर्ष 2.0 को, तो आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगी, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक। लॉगिन करने के बाद यहाँ पेड कोर्स है, पेड कोर्स पर क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस भी है, डेमो क्लास भी देख सकते हो, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे सारा सिस्टम खुल जाएगा, फोनपे गूगल पे पेटीएम कोर्स ले सकते हो। साथ ही टेस्ट के लिए तो यहाँ पे फ्री टेस्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है, टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो अभी टेस्ट सीरीज दिख रही होगी, लेकिन आपकी जो 8 तारीख की टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री होगी,
उसमें एक रुपया पेमेंट नहीं करना। 8 तारीख को 4-5 घंटे के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, फिर बाद में हम लोग आप लोग को 9-10 तारीख को आपका रिजल्ट भी लाते हैं कि टेस्ट सीरीज में कौन बच्चा टॉप किया। ठीक, चलो ये बात हो गई। इसके बाद भी कोई जानकारी हो, कुछ चीज़ें अधूरी हो जो आपको नहीं पता चली, ठीक है, जो आपकी जानने बहुत बेहद ज़रूरी है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आराम से आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल रिसीव होगा, आपकी सारे समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक, 7307242267। ठीक, और जो सिलेबस था, इस सिलेबस को पहले अपने पास रख लेना भाई, बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस भी है, मैंने बोला आपकी जो स्लाइड होगी पूरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में हम सेंड कर देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी स्पेशल होगी आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा हमारा जो एफर्ट समझाने का तरीका, क्वेश्चंस लेकर आया हमने आपको दिखाया, कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संघर्ष 2.0 बैच आपका इंतजार कर रहा है, 25 दिन का जो हार्ड चैलेंज है वो हमने लिया हुआ है, तो आपको भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।